इन्वेस्ट किया होता है जिनमें क्या कहते हैं पार्टिकल और मीडियम ऑक्सीलेट अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी वेव्स चल रही होती है पैरेलल। साउंड वेव्स को बड़ी कॉमन एग्जांपल है, लेकिन याद रखें कॉम्प्रेशनल वेव्स इन स्प्रिंग विस्केज में शामिल है। इसमें एक बार वेव्स कॉम्प्रेस होती हैं यानी कॉम्प्रेशन, एक बार फैलती हैं रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। और बच्चों ने बोला वेवलेंथ लैम्डा होता है वो या तो दो कॉम्प्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस होता है या दो रेयरफैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो बच्चों फैलना सुखड़ना, फैलना सुखड़ना इसका मतलब क्या है, इसके नतीजे में क्या ग्रेडिएंट होगा, प्रेशर। यही वजह है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। फिर एक होती है ट्रांसफर वेव, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑक्सीलेटेड राइट एंगल टू ट्रांजिशन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी परपेंडिकुलर जो चल रही होती है। इसकी बेस्ट मिसाल, जी हाँ ये याद रखिए लोगों को नहीं पता होती, वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रेच। तो मेरे भाई यहाँ क्या हो रहा होता है, यहाँ एक बार बन रहा होता है क्रेस्ट, यानी जब ये ऊपर को जा रही है, और नीचे जब ये ट्रफ, तो दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ यानी लैम्डा का है। ये लैम्डा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्रेस्ट की भी और ट्रफ की भी। दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस बी वेवलेंथ, तो लैम्डा की तो चार डेफिनेशन हो गई। ट्रांसफर वेव में दो क्रेस्ट के दरमियान का या दो ट्रफ के दरमियान का, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन या रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन। जो ट्रांसफर वेव होती है सॉलिड होती है, क्योंकि इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक इलास्टिसिटी और एक रिजिडिटी। सॉलिड में दोनों बातें होती है, रिजिडिटी यानी शक्ति, और मेरे भाई ये तीनों मीडियम में हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल गैस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, क्योंकि इसमें सिर्फ इलास्टिसिटी चाहिए जो कि गैस और लिक्विड में होती है। क्या कोई ऐसी मिसाल भी है जो ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल दोनों की हो? जी हाँ, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज द ओनली एग्जांपल जो ट्रांसफर वेव्स ही है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छी तरह कर लें। थैंक्स अ लॉट।